चलो और भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो लंबा केस है, चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तो जो खुद ही से लिखा है, ये तो सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको, दुखेल का बंगला भी शामिल है इसमें, जो दो ह्यूज बैंगलोर जिसके अंदर खाली जो बार की वीडियो आपको शेयर होगी अभी वो आप चलाए, फिर बाहर से कवर्ड एरिया को देखें और खाली वो स्प्लिट्स के आप यूनिट देखने के लिए लगे हुए हैं और कीमत लिखी हुई है उसकी 15 लाख रुपए और 60,000 में फर्नीचर उसका भी शामिल है, ये 6 बंगले ये और 1-2 बंगले ये। पीपल्स पार्टी फिर भी मुस्बत सोच रख रही है लेकिन एक जाति लड़ाई लड़ रहे हैं फजल रहमान साहब से, मेरी उनसे गुजारिश होगी वो ये जाति लड़ाई मत लड़े, जाति लड़ाई मत लड़े, और इस असम्बली को नाजायज कह रहे हो जिसके जनाब वाला काबिल एहतराम मौलाना साहब आप खुद सदर के उम्मीदवार थे, और अगर इस जमहूरियत को आप इस बहरान में डालना चाहते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को होगा। मैं अब इंशाल्लाह मैंने आपसे कल अर्ज की थी, आज मेरा बुध, आज क्या बुध है, मंगल, पीर है, बुध को मेरा हफ्ता हो जाएगा, बुध के दिन मैंने चार्ज लिया, अभी मैं महकमा में जा रहा हूँ, अभी पासपोर्ट रहता है, नादरा रहता है, पुलिस बेहतर है, नादरा हुआ है लेकिन नादरा में अभी काफी काम करना रहता है, उसको जरा ठीक करता है, फिर पासपोर्ट है और फिर उसमें इमिग्रेशन है, लेकिन नादरा में थोड़े काम की ज्यादा गुंजाइश है, उसको ठीक करना। शेख साहब ये बताएं कि नेक्टा के अंदर क्या तब्दीलियां और जिद्दत क्या ला रहे हैं? देखें पहले तो इनको पैसा दें, इनके पास पैसा ही नहीं है तो जिद्दत और तब्दीली क्या लाएंगे, 30 करोड़ रुपए में क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नून लीग ने पैसा दिया, पीपल्स पार्टी ने पैसा दिया, धरने में उनके साथ तो लोग अभी बचे नहीं है, आने को तैयार।